वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सदारत में काबीना का हंगामी इजलास हुआ। आईनी और कानूनी माहरीन ने JIT रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी। इजलास में आइंदा की सियासी और कानूनी हिकमत अमली का जायजा भी लिया गया। काबीना ने JIT रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। इजलास में आईनी और कानूनी जंग लड़ने और मुखालफीन को भरपूर जवाब देने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने मुस्ताफी न होने का दो टोक ऐलान किया तो काबीना अरकान ने डेस्क बजा कर फैसले की तौसीक की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि JIT की रिपोर्ट हमारे जाती कारोबार के बारे में मफरूजों इल्जामात और बहतानों का मजमुआ है। हमारे खानदान ने सियासत से कुछ नहीं कमाया, अलबत्ता खोया बहुत कुछ है। उन्होंने कहा 1985 से लेकर आज तक 32 वर्ष के दौरान एक पैसे की खुर्द बुर्द भी की हो तो बताएं। वक्त आने पर सब राज खुल जाएंगे और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं। हम तामीर और तरक्की के सफर को डीरेल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान माजी में इन तमाशों की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। क्या जमहूरियत फरोश साजिशी टोले के कहने पर इस्तीफा दे दूं? अल्लाह के फजलो करम से मेरे जमीर पर कोई बोझ नहीं। काबीना ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तजवीज करने के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में हासिल बजिंजो, इरफान सिद्दीकी, मरियम औरंगजेब और ब्रेस्टर जफरुल्ला शामिल है। काबीना ने आगरा में मेंबर गैस और मेंबर ऑयल की तकर्री के लिए नए कायदों जवाबत की मंजूरी भी दी।